हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही बड़ी शॉकिंग अपडेट है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबको कैसे कहूं कि आप सब में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि हमारा एग्जाम हो, यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से, माफ करें, सीबीएसई आईसीएसई कोई भी स्टेट से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो 40% स्टूडेंट्स जो है कह रहे हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, वो भी ऑफलाइन तरीके से। बाकी 60% ये कहते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन होना चाहिए, या फिर कोई अदर वे निकालना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अलग तरीके का रिपोर्ट है कि आपके स्कूल कॉलेजेस को कंप्लीटली बंद कर दिया गया है और बंद किया जा रहा है। तो ऐसे में आप अपना एग्जाम कहां देंगे? ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोई जो भी स्टूडेंट देख रहा है, भले आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, वीडियो को देखकर जरूर जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉकडाउन की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन ना कहें लेकिन आप सबको पता है कि देश में जब कोरोना बढ़ रहा था या बढ़ता है, तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को ही बंद किया जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ कि सीबीएसई बहुत सारे अल्टरनेट निकाल रही है, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को पोस्टपोन कर रही है, बहुत सारे सेंटर्स भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मीटिंग वाली बात आपको याद होगी कि वो हमेशा कह रहे हैं कि हम भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, जो ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम भी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि आगे क्या होगा। ये याद रखिएगा, आगे क्या होगा। अब आप लोग रिपोर्ट देखिए एक जरा, वहां पर 1 to 8 का स्कूल बंद किया गया था मार्च में। आप सबको याद होगा 31 मार्च तक सारे स्कूल बंद कर दिए गए थे 1 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए। पर फिर से क्या हुआ है कि अब इसको बढ़ाकर अप्रैल कर दिया गया है, अप्रैल 11 तक बंद रहेगा, और अप्रैल 11 से लेकर मेरे प्यारे दोस्तों और आगे तक ये एक्सटेंड होता जा रहा है और होगा 100% श्योर। क्योंकि जिस तरीके से केसेस आ रहे, कोविड केसेस, अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया क्लास 1 to 8 के बच्चे हैं और हम लोग क्या है, कुछ नहीं है, हमारे लाइफ को रिस्क नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों की लाइफ उनसे भी ज्यादा रिस्क हो जाएगी, क्योंकि आप लोग लाखों के नंबर्स में जाकर अपना एग्जाम देने जाएंगे। आज ही मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाया कि कश्मीर में कैसे छोटे छोटे बच्चे गए और उनको जो है कोविड हो गया, 50 स्टूडेंट ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो गए और ना जाने कितने हुए होंगे उनके थ्रू। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा देना चाहता हूं अच्छे से कि 1 to 8 का ऑब्वियस सी बात है स्कूल बंद हो रहे हैं। तो पिछले साल जरा आप लोग चलिए, जब कोरोना आया था तो 1 to 8 के ही स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया था, स्टूडेंट्स को के लिए स्कूल बंद करके उन्हें प्रमोट किया गया था। फिर बारी आई 9 and 11 की, फिर बारी आई थी 10 and 12 की। तो आप लोग सबसे लास्ट हैं, पर भूले नहीं जाएंगे आप लोग, क्योंकि आप कोविड केसेस देख लीजिए पिछले दिन, ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, अप्रैल 1, 2021 नंबर ऑफ केसेस की बात कर ले, जब हमारे देश में मेरे प्यारे दोस्तों 30,000 to 40,000 जब केसेस आ रहा था जनवरी, मतलब इस ईयर में, तब आपके सनीम भरद्वाज जी एग्जाम कंट्रोलर ने कहा था कि सिचुएशन खराब रहेगा तो एग्जाम को कंडक्ट कराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा, कराना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अब क्या कहेंगे, अब इंतजार आपको रहना चाहिए अच्छी खबरों का। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप खुद के कर्तव्य से मत दूर भागना, पढ़ाई तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। जो लोग पढ़ाई नहीं करके आके हमेशा वीडियो देखते हैं कि कैंसिल हो जाए, तो उनके लिए ये नहीं होती है वीडियो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ हमारी वीडियोज देख रहे हैं, आपको न्यूज मिल रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और अपना राय नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका क्या डिसीजन होना चाहिए और किस तरीके से बढ़ रहा है कोविड, तो आपका क्या जो है मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए।